Hello students, now today we have to discuss your topic relations and functions of miscellaneous exercise. And now discuss your questions. Question number 8. Question number 8 is, let f is equal to 1 comma 1, हमारे पास function यहाँ पर given है, 1 comma 1, 2 comma 3, 0 comma minus 1, 0 comma minus 1 and minus 1 comma minus 1, minus 1 comma minus 3, be a function from z to z, यानी जो हमारे पास जो function है, f such that z to z, ओके और फिर हमारे पास क्या रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है ए एक्स प्लस बी और आपको यहां से फाइंड अप करना है ए और बी की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये जो रिलेशंस दे रखा है, इस रिलेशंस में अगर हम बात करें तो रिलेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 कामा 1 हमारे पास क्या हो रहा है, सिंस 1 कामा 1 बिलोंग्स टू एफ। तो अगर 1 कामा 1 आपके पास 1 में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे पास जो f1 की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है f ऑफ 1, इसका जो इमेज आएगा वो हमारे पास क्या हो रहा है 1, इस 1 का इमेज क्या है 1, यानी f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। अभी देखिए fx की वैल्यू अगर ax plus b है तो हम अगर f1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें तो f1 की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस b इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए फिर दूसरी वैल्यू को हम यहां से देखते हैं। यहां से अगर हम दूसरी वैल्यू को देखें, सिमिलरली 2 कामा 3 बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है, f। अब 2 कामा 3 बिलोंग्स टू f का मतलब ये हो गया कि जो 2 का इमेज है वो क्या है, 3 है। तो 2 का इमेज अगर हमारे पास 3 है तो आप कह सकते हैं कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, देयर इंप्लाइज f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो f ऑफ 2 की अगर हम बात करें, यहां से f2 की वैल्यू निकाले तो जहां पर x है वहां पर इसको हम 2 को पुट कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 2a plus b इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको यहां पर क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्टिंग सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो ये b b कैंसिल आउट हो जाएगा। a से 2a को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस a और यहां से जब 1 और 3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 2, देन a इज इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, नाउ पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट में जब इस वैल्यू को हम रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, सो b इज इक्वल टू माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं यहां से a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू माइनस 1 है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी हमारे पास एक रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 9 में, आपके पास क्या गिवन है, आर सच दैट एन टेंस टू एन, यानी जो रिलेशन आर है वो एन से एन में है। और यहां पर जो रिलेशन हमारे पास कह रहा है वो आपके पास कह रहा है कि ए कामा बी टाइप के इक्वेशन है और ये हमारे पास कह रहा है कि a कामा b किसे बिलोंग कर रहा है, a कामा b बिलोंग्स टू n। और यहां पर कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, b के स्क्वायर के इक्वल है, यानी a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तभी आप a कामा b बिलोंग्स टू r यहां पर कह सकते हैं। अब यहां पर कह रहा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, तो पूछ रहा है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहा है कि a कामा a बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल a belongs to n, ठीक है, ये for all का सिंबल है, तो for all a belongs to n true or not, ये आपको यहां पर बताना है कि ये जो वैल्यू है वो आपके पास ट्रू होगी कि नहीं होगी, ये वैल्यू हमें यहां पर पता करनी है। तो चलिए यहां से हम देख सकते हैं, इट कैन बी सीन दैट। तो देखिए हम यहां पे नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट यहां पर आप लेट कर लेते हैं,
तो यहां पर अगर हम एक नेचुरल नंबर हमने यहां पर कोई एलिमेंट ले लिया, सपोज दैट मैंने 2 ले लिया, तो देखिए अगर हम 2 की बात करें तो यहां पर अगर हम कहें कि 2 बिलोंग्स टू n, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, a से a में रिलेशन फाइंड आउट करना है, अगर a से a में रिलेशन मिल रहा है तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू n अगर हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं तो हाउएवर आप कह सकते हैं यहां से, ठीक है क्या कह सकते हैं भाई, देखिए ये इस कंडीशन को फॉलो अप करें, तो अगर यहां से आप 2 इज इक्वल टू करें तो देखिए 2 की जो वैल्यू है, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा और ये हमारे पास क्या 2 है, तो देयरफॉर तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि यहां पे जो 2,2 है वो क्या होगा, ये आपका आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है कि अगर हम कोई एलिमेंट्स आप नेचुरल नंबर का ले रहे हैं तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो कंडीशंस है वो आपके पास ट्रू नहीं है इस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है ना। सो क्या है, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, सो स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन इज नॉट ट्रू, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, कंडीशन हमारे पास यही है। तो चलिए हम कंडीशन को यहां पर लेते हैं, तो यहां पर हमने कंडीशन हमारे पास कह रहा है कि आपके पास ये पूछ रहा है कि ये ट्रू है या नहीं। तो सेकंड नंबर हमारे पास कह रहा है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज हमारे पास क्या होना चाहिए कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर भी हमारे पास यहां पर होना चाहिए। तो चलिए अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर हम कोई भी इज ट्रू आर नॉट, ठीक है ये आपको पता लगाना है। तो इट कैन बी सीन दैट अगर यहां से हम दो वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, तो दो वैल्यू को किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं, एक वैल्यू हमने यहां से 4 कंसिडर कर ली, एक वैल्यू हमने 2 कंसिडर कर ली, ठीक है ना। 4,2 बिलोंग्स टू एन, यहां के पास दोनों ही नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम ये वैल्यू लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर इस वैल्यू को हम देखते हैं तो अगर हम यहां पर देखें तो 4,2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो जाएगा देखिए 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ऐसा आप कह सकते हैं। ए कामा बी का मतलब ये हो गया कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर, तो मतलब बी का स्क्वायर करें ए मिलेगा, तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। बट ठीक है ना, लेकिन क्या हमारे पास, अगर हम यहां से 2,4 बिलोंग्स टू आर कहते हैं, ठीक है, अगर हम यहां से 2,4 बिलोंग्स टू आर कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 4 के इक्वल, सॉरी इसके हमारे पास क्या है कि इसका स्क्वायर करें और ये मिलना चाहिए, तो अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो हमारे पास ये क्या होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा, यानी जो 2 की वैल्यू है वो 4 के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो पा रही है। सो देयरफॉर यहां से आप कह सकते हैं द स्टेटमेंट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देयर इंप्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट आपका क्या है, इस कंडीशन के लिए ट्रू नहीं हो पा रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट नंबर थर्ड, चलिए थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। नाउ थर्ड नंबर इज, यहां पर ये कह रहा है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, यानी आपको इस तरीके से कोई वैल्यू लेनी है, ए बी सी तीन वैल्यू इस तरह से कंसिडर करनी है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कामा सी भी बिलोंग्स टू आर हो। तो देयर इंप्लाइज आपके पास क्या आना चाहिए कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अगर ऐसा आ रहा है तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाएगा, और नहीं हो पा रहा तो ये स्टेटमेंट ट्रू इस कंडीशन के लिए ट्रू नहीं होगा, इस ट्रू आर नॉट, इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है कि नहीं, चलिए हम इसको देखते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इट कैन बी सीन दैट
ठीक है, हमने यहाँ पर तीन तीन वैल्यू को कंसिडर करेंगे। देखिए तीन वैल्यू किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो a है वो b का स्क्वायर होना चाहिए, तो a अगर b का स्क्वायर होना चाहिए तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 4 ले लिया, ठीक है, और 2 ले लिया। देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा। और इसके बाद में b और c को इस तरह से लें कि हमारे पास क्या वैल्यू बननी चाहिए, कि b का जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, c की जो वैल्यू है इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 2 और यहाँ पर हमारे पास ले सकते हैं 4 वैल्यू को कंसिडर करनी है, ए बी बी सी से आप करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू लीजिए कि अब अगर हम यहां पर इसका वैल्यू को लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इस वैल्यू को हम क्या करें कि आप ऐसा कर लीजिए कि यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या कह रही है, ऐसा लीजिए यहां पर 9 3 16 4 3। चलिए तो यहां पर वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, कुछ और वैल्यू कंसिडर कर लीजिए, और ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे 4 कंसिडर करेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, 16 कामा कुछ ऐसा ले लीजिए कि 9 कामा 3 ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए सारे नेचुरल नंबर हैं, 4 2 9 3, ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो कि आपके पास यन में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन को फॉलो अप करें तो हमारे पास क्या कह रहा है कि 4 कामा 2 अगर हम कहते हैं तो 4 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, इस कंडीशन को फॉलो अप करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, जो 4 है वो 2 के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे 9 कामा 3 को कह रहे हैं तो वही हमारे पास बिलोंग्स टू R हो रहा है, ठीक है, 9 कामा 3 हमने हमारे पास बिलोंग्स टू R हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 9 हमारे पास है वो भी 3 के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ से 4 का 3 के साथ अगर हम रिलेशन से आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयर इम्प्लाइज यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि जो 4 वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, 3 के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो स्टेटमेंट, देयर फोर द स्टेटमेंट, ठीक है, यानी अगर हम 4 कामा 3 बिलोंग्स टू R हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, अगर इस वैल्यू को आप देखें कि ये 4 कामा 3 R में बिलोंग कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर 4 के इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए कामा सी ये आपके पास क्या है, बिलोंग्स टू आर, ये आपके पास क्या है, इज नॉट ट्रू। ये हमारे पास क्या है, जो रिलेशन है वो इस कंडीशन के लिए फॉलो नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 5 9 1 5 9 11 15 16 एंड एफ इज इक्वल टू ये हमारे पास गिवन है 1 कामा 5 2 कामा 9 3 कामा 1 4 कामा 5 एंड 2 कामा 11, ये हमारे पास है। तो नंबर फर्स्ट कह रहा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। एंड सेकंड इज एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एफ जो है आपका ए से बी में रिलेशन है कि नहीं है, ऐसा आपको यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी को हम यहाँ पर ए क्रॉस बी यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये देखिए क्रॉस कैसे लिया जाता है, आप इसका ऑर्डर पेयर बनाइए ए का बी के साथ, तो ये हो जाएगा 1 1, फिर हो जाएगा 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, 2 के साथ लेंगे 2 कामा 1 2 कामा 5 2 कामा 9 2 कामा 11 2 कामा 15 2 कामा 16 एंड 3 के साथ आप ऑर्डर पेयर लेंगे 3 कामा 1 3 कामा 5
थ्री कामा नाइन, थ्री कामा इलेवन, थ्री कामा फिफ्टीन, थ्री कामा सिक्सटीन एंड फोर के साथ लेंगे फोर कामा वन, फोर कामा फाइव, फोर कामा नाइन, फोर कामा इलेवन, फोर कामा फिफ्टीन एंड लास्ट फोर कामा सिक्सटीन। तो आप देख सकते हैं ये एक राशि भी हमारे पास निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो F है, देखिए F के जो एलिमेंट्स है 1.5 यहाँ पर ये हमारे पास है 1.5, ये देखिए 2.9 भी हमारे पास यहाँ पर है, 3.1 की बात करें ये भी हमारे पास है, 4.5 की बात करें ये भी हमारे पास है और 2.11 की बात करें तो ये भी हमारे पास है। यानी इसके सारे एलिमेंट्स, F के सारे एलिमेंट्स इसमें आपके पास बिलोंग कर रहे हैं। तो इट इज़ क्लियर दैट कि F इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो अगर हमारे पास ये है कि F आपका सबसेट है A क्रॉस B का, तो आप कह सकते हैं कि F इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। सो F is a relation from A to B. That is, F such that क्या होगा, A tends to B होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, F जो फंक्शन है वो A से B में आपके पास relations given है। चलिए सेकंड कह रहा है F is a function from A to B। अब यहां पर ये दिखाना है कि F आपका फंक्शन है कि नहीं है। तो चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। तो आपके पास ये फंक्शन है कि नहीं भाई, तो फंक्शन के लिए आपके पास अगर ये एफ फंक्शन है तो आपके पास डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन आपके पास देखिए 2.9 से कनेक्ट हो रहा है और 2 आपके पास 11 से कनेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर डोमेन रिपीट कर रहा है। तो देखिए अगर डोमेन रिपीट कर रहा है तो आप कह सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट टू करस्पॉन्ड्स टू टू डिफरेंट इमेजेस। यानी जो टू की जो वैल्यू है वो आपके पास दो डिफरेंट इमेज यहाँ पर मिल रही है। देखिए एक आपके पास क्या है, 9 मिल रहा है, 9 एंड, और दूसरा आपके पास क्या मिल रहा है, 2 का इमेज 11। सो एफ इज नॉट अ फंक्शन, इसका मतलब ये जो रिलेशन है, सो रिलेशन एफ इज नॉट ए फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रिलेशन है वो जो f है वो आपके पास फंक्शन नहीं हो पा रहा है, ये हमारे पास आप कह सकते हैं। ओके चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, इसको जल्दी से देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कह रहा है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लेट एफ बी द सबसेट क्या कह रहा है हमारे पास, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू ए कामा बी कामा ए प्लस बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए 11 नंबर की बात करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है एफ, वो क्या है, एफ इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड एंड एफ इज इक्वल टू ए कामा बी, सॉरी ए इंटू बी है हमारे पास, कामा ए प्लस बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड एंड इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यह आपका फंक्शन क्या होगा, जेड से जेड में हमारे पास फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये हमारे पास यहां पर देखना है। तो चलिए अगर आपको यह देखना है कि यफ आपका जेड से जेड में फंक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर ये हमें देखना है तो यहां पर जेड, जेड का मतलब क्या है, आपके पास इंटीजर है और इंटीजर में हम कुछ वैल्यू को यहां पे कंसिडर करेंगे। तो चलिए हमने यहां पर कुछ वैल्यू को कंसिडर कर लिया। तो यहां से देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, तो यहां से हम जो वैल्यू ले रहे हैं, देखिए हमने चार वैल्यू यहां से कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर हमने कंसिडर कर लिया लेट 2.6 एंड 6.-2। तो ये हमारे पास क्या है, चार वैल्यू यहां से मैंने कंसिडर कर ली, ठीक है। तो चार वैल्यू आप कंसिडर कर लिए, -2 ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है,
जैसे 2,6 ले रहे हैं, -2,-6 ले लीजिए, और ये हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास जेड में बिलोंग कर रहे हैं। तो चलिए अगर हमने ये देखा कि हमने चार वैल्यू यहाँ से ली, एक 2,6 ले लिया, -2,-6 ले लिया, जेड में बिलोंग कर रहे हैं, तो इस 2,6 के लिए अगर हम इस वैल्यू को रिलेशन को फाइंड अप करते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है यार इम्प्लाइज, देखिए 2,6 पर जब आप इस वैल्यू को देखते हैं तो 2 × 6 क्या हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा, और 2+6 की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और ये हमारे पास क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एफ में, ओके, यानी 12,8 क्या कर रहा है हमारे पास एफ में बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखते हैं 12,-8 की बात करते हैं, एंड ये देखिए -2-6 की बात करें, जब आप इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो -2 × -6, तो -2 × -6 की बात करें तो -2 × -6 क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 12, तो यहां पर आप कह सकते हैं 12, एंड यहां पर जब आप रखेंगे तो -2-6 वैल्यू आएगी -8, एंड ये भी आपके पास क्या कर रहा है एफ में बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 12,8 ये भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है, और 12,-8 ये भी हमारे पास एफ में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से क्या क्लियर होगा कि जो 12 आपके पास है वो टू डिफरेंट क्या कर रखा है इमेज यहां पर करस्पॉन्ड्स कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर आप कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट तो यहाँ पर डोमेन भी आपके पास क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, और आप देख सकते हैं डोमेन रिपीट कर रहा है, और इसका मतलब आपके पास जो 12 है दो इमेज यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। तो इट इज क्लियर दैट 12 करेस्पॉन्ड्स, 12 करेस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट इमेजेस, 12 करेस्पॉन्ड टू टू डिफरेंट इमेजेस, कौन कौन से, 8 and -8। So, f is not a function. इसका मतलब ये होगा कि यह हमारा function यहां से नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस question को, आगे हम discuss करेंगे question number 12 को। Now, question number 12 is, जो कि आपके exercise का last question है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या रहा है, लेट a इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हमारे पास a की वैल्यू है, और यहां पर क्या रहा है कि f such that a tends to n, और ये आपके पास जो डिफाइन कर रहा है n को, तो fn इज इक्वल टू कह रहा था हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ये हमारे पास fn है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, तो फाइंड द रेंज ऑफ एफ, यानी आपको रेंज फाइंड करनी है रेंज की, तो रेंज ऑफ एफ यहां पर आपको फाइंड अप करनी है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ एफ। तो चलिए रेंज ऑफ एफ को फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो सकता है, तो पहले हम प्राइम फैक्टर को देख लेते हैं, तो प्राइम फैक्टर ऑफ नाइन, तो देखिए इसका जो 9 का फैक्टर होगा वो 3 × 3 होगा, इसका मतलब जो हमारे पास 9 का जो प्राइम फैक्टर है वो आपके पास क्या है 3, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर आपके पास क्या हो गया 3 हो गया। तो यहां से आप बात करें, अगर हम यहां से F9 की बात करें, देन F9 इज इक्वल टू, तो यहां से अगर F9 की बात करें तो आप देख सकते हैं F9 क्या होगा, Fn जो है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, तो F9 क्या होगा हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 10 हमारे पास है, देखिए 10 का जो फैक्टर बनेगा वो 2 × 5 बनेगा, तो आपके पास जो प्राइम फैक्टर होगा 2 भी होगा 5 भी होगा, दोनों हम कह सकते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर 2, 5 होंगे। तो अगर यहां से F10 की बात करें तो F10 क्या होगा हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, तो 10 का हाइएस्ट प्राइम फैक्टर 2 और 5 में कौन है 5 है, तो ये हमारे पास हाइएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 11 की, तो चलिए प्राइम फैक्टर ऑफ 11 देख लेते हैं हम यहां पर, तो 11 का फैक्टर आपके पास 11 ही होगा, तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 11, तो अगर हम यहां से F11 को देखें तो F11 क्या है हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, तो ये हमारे पास आएगा 11। चलिए आगे हम देखते हैं यहां पर 12 का देखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 12,
देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 12 की बात करें तो 4 इंटू 3, और आप कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी प्राइम फैक्टर आपके पास 2 होगा और 3 होगा। तो यहाँ से अगर हम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की बात करें यानी एफ ट्वेल्व की बात करें तो वो क्या होगा, एफ ट्वेल्व वो होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास है 3। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 को, प्राइम फैक्टर ऑफ 13, प्राइम फैक्टर ऑफ 13, देन प्राइम फैक्टर ऑफ 13 13 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 13। सो एफ 13 इज इक्वल टू, इस एफ 13 की बात करें तो इसका हम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेंगे, देन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 दैट विल बी 13। तो भाई अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है हमारे पास, जो इमेजेस आती हैं तो आप देख सकते हैं 9 की इमेज 3 आ रही है, 10 की इमेज 5 आ रही है, 11 की इमेज 11 आ रही है, 12 की इमेज 3 आ रही है और 13 की इमेज 13 आ रही है। तो इट इज क्लियर दैट रेंज ऑफ एफ इज, ये जो भी इमेज आ रही हैं वो आपके पास रेंज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा 3, 5, 11, 3 आप लिख चुके हैं और ये हो जाएगा 13। तो हमारे पास जो रेंज ऑफ एफ की इमेज आ रही है वो आ रही है 3, 5, 11, 13। तो ये देखिए हमारे पास इसकी इमेज आ गई। तो इस तरीके से आपका जो रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक है वो हमारा ये खत्म होता है। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। ओके, तो देखिए हमारे पास इस तरीके से जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है वो आपका टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और हमारा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा CBSE NCERT बुक में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आगे आप तैयार रहें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो यहीं से इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।